नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत अच्छी एक बात कही गई है, द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड, मनी इज सेकेंडरी। कहने का मीन ये है कि किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए उसका ट्रेड जो होता है वो वेस्ट होना चाहिए। पैसे तो बन ही जाएंगे, पैसे उनका सेकेंडरी ऑप्शन होता है, बट मस्ट उनका होता है कि सबसे अच्छा ट्रेड लेना। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ ट्रेड की बात करेंगे और ऐसे कुछ अच्छे शेयर्स की बात करेंगे जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है बट टेक्निकली थोड़ी वीक लग रही है। तो अगर डीप ऑन बाई आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा शेयर है। पहला बजाज फाइनेंस। अगर इनके टेक्निकली की बात करें तो थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से थोड़ी करेक्शन आई है और थोड़े छूट वगैरह मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें इनका पहला टारगेट क्या हो सकता है। तो पहले टारगेट की बात करें तो 3255 का पहला इनका सपोर्ट है। अगर वो लेवल टूटेगा तो इसमें भारी गिरावट देखने को मिल जाएगा। फिर ये शेयर 3000 के आसपास तक जाना इसका तय है। तो पहला जो टारगेट है वो 3255 का है। अगर उस लेवल के तक गिरता है तो इसमें फिर 3000 तक का टारगेट आपको देखने को जल्दी ही मिलेगा। तो ये वो शेयर है जिसमें डीप ऑन बाई करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हमेशा तो प्रीमियम पे ही देखने को आपको मिलता है। बट ये ऐसा शेयर है जो कि अगर आप जितना डीप पे ख़रीदेंगे लॉन्ग टर्म के लिए उतना वेस्ट है। फंडामेंटली तो आपको पता ही होगा बहुत बेस्ट है, तो इस शेयर को लॉन्ग से लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड कर सकते हैं। वहीं अपने नेक्स्ट शेयर की बात करें तो HDFC बैंक। आपको पता होगा HDFC बैंक भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था, बट थोड़ी करेक्शन इसमें भी देखने को मिल रही है। तो ये इनका पहला टारगेट क्या हो सकता है। तो इनका पहला अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट लेवल होगा इनका 1200 का। 1200 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 1200 का सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट क्या लेवल होगा, तो 1180 का दूसरा लेवल होगा। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इनका है 1240 पे। वही लेवल इनके लिए काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो पहला सपोर्ट अगर ये गिरता है तो 1200 का लेवल होगा, उसके बाद 1180 का सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर वो लेवल टूटेगा तो बहुत भारी गिरावट इस शेयर में भी देखने को मिलेगी। और ये ऐसे शेयर हैं जिन्हें आप डीप ऑन बाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि दोस्तों ये शेयर नीचे मिलना बहुत मुश्किल होता है, और एक बार नीचे आपने बाइंग कर लिया तो आपके प्रॉफिट तो ऊपर में बनते रहते हैं। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमेशा से रहे हैं भी हैं, तो कोई फ्रॉड और कोई टेंशन वाली बात तो होती नहीं है। वहीं अपने नेक्स्ट शेयर की बात करें तो Naukri.com। आपको पता होगा इनके इंक्लूडिंग में बहुत सी कंपनियां आ चुकी हैं और ये धीरे धीरे अपनी कंपनी को बढ़ा ही रहे हैं। तो InfoEdge की मैं बात कर रहा हूँ। InfoEdge आपको पता होगा 2500 से ये शेयर चलना स्टार्ट हुआ और एक दो महीनों में ये 3500 क्रॉस कर गया है। अब इसमें थोड़ी करेक्शन आ रही है, बीच बीच में थोड़ी करेक्शन आती रहती है, लेकिन ये शेयर फिर से अपना कंटिन्यू कर लेता है। तो अभी क्या करना चाहिए इस शेयर में, तो इनका पहला जो सपोर्ट है, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, वो 3416 का है। अगर वो लेवल टूटेगा तब तो इसमें बहुत काफ़ी भारी गिरावट आएगी और ये 3200 तक जाएगा। बट अगर वहाँ तक नहीं जाता तो फिर क्या होता है, तो इसमें आप डीप ऑन बाई करते रहिए। जैसे जैसे करेक्शन आती है वैसे वैसे इसमें बाइंग करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन इस शेयर में आना मुश्किल है। और जिस हिसाब से इनका बिज़नेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल इनका टोटली ऑनलाइन बेस पे है। इनके कोई भी बिज़नेस आप उठा कर देखेंगे सब के सब ऑनलाइन बेस पे ही काम करते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा करेक्शन भी मुश्किल है। और आपको पता होगा कि कल इसमें काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड हुए थे, कुछ ऑपरेटर्स भी इंक्लूड हुए थे, तो वही थोड़ा सा निकले होंगे, इसी कारण इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। तो डीप ऑन आई बाई करते रहिए और टारगेट तो काफ़ी ऊपर है, 4000 का टारगेट आपको जनवरी तक दिख जाएगा, यानी कि 2020 ख़त्म होते हैं, दिसंबर ख़त्म होते होते ये 4000 का लेवल बड़े आराम से टच कर जाएगा। वहीं अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो SBI कार्ड। आपको पता होगा SBI कार्ड में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि करेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। तो इनके क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्योंकि करेक्शन जब भी कोई शेयर का आता है तो उसका एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब नीचे सेल्स जाने लगते हैं तो सपोर्ट का तो बहुत ज़रूरी होता है कि पता चल जाए कि सपोर्ट क्या है, ताकि उस लेवल तक पहुँचते पहुँचते एग्जिट किया जा सके। तो पहला इनका जो लेवल है 766 का है, यानी 767 का है। अगर वो लेवल टूटता है तब तो काफ़ी भारी गिरावट आएगी और ये 700 के नीचे देखने को भी मिल सकता है। लेकिन पहला इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि इनके 100 दिनों के EMA के बराबर भी है, तो ये लेवल इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस लेवल पे ये पहले भी, यानी कल भी इन्हें देखने को मिला था, लेकिन उसमें उसी लेवल पे आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी इन्वेस्टर्स इंक्लूड हुए हैं, यानी बाइंग काफ़ी तेज़ी से हुई है उस लेवल पे, यानी वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। तो उससे नीचे कोई गिरने नहीं देगा, कोई भी बड़ा ऑपरेटर्स हो सकता है या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इस शेयर को उसके नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये शेयर उस लेवल पर सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है।
तो जाहिर सी बात है उसके नीचे तो जाने ही नहीं देंगे। अगर आपको इस शेयर में इंटर करना है तो आप 780 के नीचे इंटर कर सकते हैं। 780 के नीचे जब भी मिलता है तब आप इंटर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शेयर है और वहीं आपको सपोर्ट है यानी कि स्टॉप लॉस जो लगानी है वो 766 या 67 का लगाना है, उसके बाद ही इसमें प्ले करना है। वहीं अपसाइड में इनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 826 का है, तो आपको पता होगा कि 780 पे आप ख़रीदते हैं तो 826 का यानी कि 20-36 रुपये उधर और आपको 10-20 रुपये इधर यानी 40-45 रुपये तक का आपको प्रॉफिट बन जाएगा काफ़ी अच्छे से, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वहीं अपने नेक्स्ट शेयर की बात करें तो इन्फोसिस, आपको पता होगा IT में ये काफ़ी दिग्गज है और IT में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो भी रहा है, तो ये शेयर भी 700-800 चलने वाला, 1000 क्रॉस करके 1100-1200 जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इनके इसमें भी थोड़ी करेक्शन आनी दिखी है, तो इसमें कहाँ तक करेक्शन आ सकता है? तो पहला अगर इनके लेवल की बात करें तो सपोर्ट जो है 1091 का सबसे बड़ा सपोर्ट है, यानी कि अगर ये शेयर करेक्ट होता भी है तो 1091 के नीचे तो मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट IT सेक्टर्स में देखना, खासकर इन्फोसिस और TCS जैसे बड़े शेयरों में, तो बड़ी मुश्किल बात है। तो उसी के आसपास ही रहेगा यानी 1000 के ऊपर ही रहेगा, 1100 के आसपास ही आपको करेक्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर फिर भी करेक्ट होता है तो जैसे ही ये डीप जाता है वैसे आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस शेयर में काफ़ी अच्छा शेयर है, आपको पता होगा 1200 के आसपास तक गया था, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आई, अब फिर से इसमें तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि IT सेक्टर से बहुत दिनों तक नीचे नहीं रह सकता, ये ऊपर फिर से जाएगा। तो इसमें भी आप डीप ऑन बाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा शेयर है। फंडामेंटली जितने भी शेयर्स की बात हमने की है सब के सब फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, उन्हें आप जितना भी लॉन्ग टर्म चाहे रख सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया, वहीं अगर लॉन्ग टर्म की टारगेट की बात हो तो लॉन्ग टर्म तो बहुत ऊपर है, क्योंकि सब के सब काफ़ी दिग्गज हैं और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देते हैं। ऐसा नहीं है कि रिटर्न बहुत कम है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छी रहती है हमेशा से। तो इस शेयर की अगर बात करें तो इनका भी 1150 का पहला टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में, वहीं दूसरा टारगेट रहेगा ये 1180 का, क्योंकि वहीं इनका काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। तो अगर वो लेवल जिस दिन टूट जाएगा उस दिन 12-12.5 के आसपास ही आपको ये शेयर देखने को मिलेगा, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखे रहे हैं। तो अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट अपने कोटेशन की, लास्ट कोटेशन की बात कर लेते हैं। आई डोंट सी मार्केट, आई सी रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी, कहने का मीनिंग है कि ये आई डोंट सी मार्केट यानी कि ये मार्केट नहीं देखते हैं क्या, क्योंकि अगर आपको किसी भी मार्केट को देखना हो तो आप मेन मेन इंडेक्स देखते हैं, जैसे निफ्टी देख लिया, अगर सेंसेक्स देख लिया, इंडियन मार्केट की बात करें तो। लेकिन इन्हें मार्केट नहीं देखना है, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स बेस पे जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि IT सेक्टर गिर रहा है, तो IT सेक्टर गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि 100% IT के सारे स्टॉक्स गिरेंगे, हो सकता है उसमें से कुछ स्टॉक्स गिर रहे हों या फिर कुछ स्टॉक्स ऊपर भी जा रहे हों। तो पर्टिकुलर आप हमेशा स्टॉक्स बेस पे डिपेंड किया करिए, ना कि आप इंडाइसेस पे ध्यान दिया करिए। अगर स्टॉक बेस पे आप ट्रेड करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको देखने का रिटर्न मिलेगा, और रिस्क रिवॉर्ड और मनी पे हमेशा बेस रहता है इनका, जो कि रिस्क भी कितना किस शेयर में है उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी रहता है, इस बात का तो ज़रूर आपको पता होगा। और मनी यानी किस प्राइस पे वो मिल रहा है, अगर अच्छे खासे प्राइस में मिल रहा है तो आपको ज़रूर से ज़रूर ले लेना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।